नमस्कार, मैं मैदुल शेख फ्रॉम एडवर्टाइजिंग प्राइवेट लिमिटेड। आज एक नया अपडेट लेके आया हूँ ऑसबिल्डिंग इन जर्मनी के लिए, जो जर्मन गवर्नमेंट की तरफ से 2024 के एक नया अपडेट आने वाला है। और दोस्तों यकीन मानिए, जो नया अपडेट है बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए खुशखबरी है, क्योंकि जो चेंजेस हैं वो बहुत पॉजिटिव चेंजेस हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स जिनका एज ज़्यादा था, जो बार बार कॉल कर रहे थे सर कि सर ऑस बिल्डिंग के लिए जो मैक्सिमम एज था 28 ईयर, क्या उससे ज़्यादा एज वाले स्टूडेंट अप्लाई नहीं कर सकता है? तो ये वीडियो उन सारे स्टूडेंट्स के लिए दोस्तों, देयर इज़ ए गुड न्यूज़। तो वीडियो शुरू होने से पहले बता दूं, ऑस बिल्डिंग इज़ नथिंग बट जैसे इंडिया में वोकेशनल ट्रेनिंग होता है, ITI होता है, सिमिलरली जर्मन गवर्नमेंट की तरफ से एक कोर्स है जिसका नाम है ऑस बिल्डिंग, जिसमें 360 कोर्सेज हैं। जो पॉपुलर कोर्सेज हैं वो है नर्सिंग है, बैंकिंग है, फाइनेंस है, लॉ है, मैनेजमेंट है, और बहुत सारे कोर्सेज हैं जिसका पूरा लिस्ट मेरे वेबसाइट में आपको मिल जाएगा। वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, यू कैन गेट द कंप्लीट लिस्ट ऑफ कोर्सेज आउट देयर। अब बात करते हैं ऑस बिल्डिंग क्यों करना चाहिए, थोड़ा ब्रीफ आपको दे दूं। इस वीडियो में शॉर्ट में आपको बताने वाला हूं, क्योंकि डिटेल वीडियो बना हुआ है, उसका थंबनेल ये रहा और इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए, ऑस बिल्डिंग एक जर्मन गवर्नमेंट का सबसे फ्लैगशिप प्रोग्राम है, जहां पे स्टूडेंट पढ़ते पढ़ते ही 1.5 से 2 लाख रुपए महीने का कमा सकता है, यू हर्ड इट राइट। और समझ लीजिए 99% to 100% उसका जॉब गारंटी रहता है, जहां पे वो कोर्स कर रहा होता है, चाहे वो नर्सिंग कोई हॉस्पिटल में कर रहे हैं या कोई इंजीनियरिंग कोर्स कोई इंस्टीट्यूशन में कर रहे हैं, उनके तरफ से जॉब गारंटी हो जाता है। और आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द कोर्स 2.5 से लेके 3 लाख का पर मंथ मिनिमम सैलरी मिलेगा ही मिलेगा। उसके बाद आपको PR भी है और स्टे बैक फैसिलिटी है। तो इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ दोस्तों, ऑस बिल्डिंग में 2024 सेशन के लिए जर्मन गवर्नमेंट की तरफ से क्या क्या चेंजेस आने वाला है। तो जो अपडेट की बात कर रहा हूँ दोस्तों, ऑस बिल्डिंग इन जर्मनी फॉर 2024 सेशन के लिए ये अपकमिंग चेंजेस हैं। 110% आप आने वाले टाइम पे वो चेंजेस आपको देखने को मिलेगा, बट क्योंकि आप एडवर्टाइजिंग का व्यूअर है तो आपको वो इन्फॉर्मेशन बिफोर हैंड मिल रहा है। तो इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको राइट इन टाइम पे मिल जाए। तो पहला चेंज है दोस्तों, APS वेरिफिकेशन, जो एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता था जर्मन गवर्नमेंट की तरफ से, ऑस बिल्डिंग के लिए वो APS वेरिफिकेशन का रिक्वायरमेंट है नहीं। देखिए, आपने जिस दिन बुकिंग कराया, जिस दिन रजिस्ट्रेशन कराया हमारे साथ, और फ्लाई डेट, इसके बीच में जो सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस था वो APS वेरिफिकेशन। नॉर्मली दूसरे कंसल्टेंट के तरफ से आप अप्लाई करेंगे तो 4 से 5 महीने में APS आ रहा है, और हमारे साथ जो अप्लाई कर रहे थे उनका टाइम बहुत कम लग रहा था। बट ऑस बिल्डिंग के लिए अब आपको APS वेरिफिकेशन भी ज़रूरत नहीं है, मतलब आपका प्रोसेस टाइम बहुत कम हो गया। दूसरा बड़ा चेंज ऑस बिल्डिंग के लिए, पहले जो मैक्सिमम एज लिमिट था वो 28 ईयर्स था, अब 35 ईयर्स हो गया है। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट, चाहे कोई भी एज का हो, अप टू 35 ईयर्स अप्लाई कर सकते हैं। तीसरा सबसे बड़ा चेंज क्या हो रहा है दोस्तों, ऑस बिल्डिंग के पढ़ाई करते करते पार्ट टाइम जो जॉब अपॉर्चुनिटी था वो 10 आवर्स इन ए वीक था और 40 आवर्स इन ए मंथ था, अब उसको बढ़ा के 20 आवर्स इन ए वीक कर दिया, मतलब 80 आवर्स इन ए मंथ कर सकते हो। दैट मीन्स पार्ट टाइम जॉब करते करते जो पैसा आप कमा सकते थे वो ऑलमोस्ट डबल हो गया। तो एक तो आपको ऑस बिल्डिंग करने से जो पर मंथ आपको स्टाइपेंड गवर्नमेंट की तरफ से मिल रहा था वो तो मिलेगा, और उसमें भी बढ़ाया है, वो मैं डिस्कस करूंगा आगे वीडियो में। प्लस पार्ट टाइम जॉब में भी आपको डबल टाइमिंग दे दिया गया, जिससे आप जो प्रेजेंट टाइम पे अर्न कर रहे हो वो डबल आप कमा सकते हो। फोर्थ इज सिटीजनशिप। यस, कोर्स कंप्लीट हो गया आपका, आप जॉब शुरू कर दिए, तो जॉब करते करते 5 साल का आपका ड्यूरेशन होना चाहिए, तब जाके आप सिटीजनशिप अप्लाई कर सकते हैं। बट द रूल विच इज़ अपकमिंग वो ये कहते हैं कि 3 साल के अंदर आपका सिटीजनशिप आप अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट इज PR। तो पहले ऐसा होता था दोस्तों कि जॉब करते करते आप 3 साल में PR अप्लाई कर सकते थे, अब जो नया रूल है उसके हिसाब से सिर्फ और सिर्फ 21 मंथ्स के अंदर आप PR अप्लाई कर सकते हो, विच इज लेस देन 2 ईयर्स। ओके, तो क्या हो रहा है, लेस देन 2 ईयर में आप PR अप्लाई कर रहे हो और विद इन 3 ईयर्स ऑफ टाइम आप सिटीजनशिप अप्लाई कर सकते हो। सो दिस इज अ गोल्डन गेट फॉर ऑल द स्टूडेंट अप टू द एज ऑफ 35 ईयर्स, जो कि ना बहुत कम पैसा खर्च करके, ब्लॉक अकाउंट भी नहीं चाहिए, क्योंकि आपको पहले ही पता है, आपने अगर ये वीडियो देखा होगा ऑस बिल्डिंग का, कि ऑस बिल्डिंग ऐसा कोर्स है जिसके लिए आपको ब्लॉक अकाउंट चाहिए ही नहीं, मतलब 11 से 12 लाख रुपए सेव। अगर अभी भी आप वो वीडियो नहीं देखा, प्लीज़ जाइए उस वीडियो को देखिए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऑस बिल्डिंग करते करते जो 360 कोर्सेज था उसमें जो सबसे कम डिमांडिंग कोर्सेज था जिसका वेज
बहुत ही कम था पर मंथ, जैसे 900 यूरो, उसको भी इन्होंने बढ़ा के अब 1100 यूरो कर दिया दोस्तों। नॉर्मली जो कोर्सेज था वो तो 1100-1300 था, वो भी बढ़ चुका है, बट जो मिनिमम जो वेज था, जो एकदम लेस डिमांडेड कोर्स, उसका भी वेज इन्होंने 200 यूरो पर मंथ बढ़ा दिया। तो ओवरऑल आप अगर देखेंगे एक स्टूडेंट के लिए एक विन विन सिचुएशन है, एज बढ़ गया, सिटीजनशिप जल्दी अप्लाई कर सकते हैं, पीआर अपॉर्चुनिटी जल्दी आप अप्लाई कर सकते हैं, आपका स्टाइपेंड बढ़ गया, आपका पार्ट टाइम जॉब अपॉर्चुनिटी भी बढ़ गया। तो दोस्तों इसका दो सेशन है, एक मार्च और एक सितंबर अक्टूबर। देखिए मार्च सेशन में तो हमारे स्टूडेंट्स सब ऑलमोस्ट सारा काम रेडी हो गया, दे आर अबाउट टू लीव इन द मार्च, बट अगर सितंबर सेशन 2024 के लिए आप इंटरेस्टेड हैं तो लास्ट टाइम है अप्रैल तक आपको अप्लाई करना, ताकि उसके बाद सारा काम करके, सारे वीज़ा अप्लाई करके आपको सितंबर तक भेज दिया जाए। तो प्लीज़ डू नॉट डिले, क्योंकि जो इंटरनेशनल एडमिशन प्रोसेस है उसमें टाइम लगता है, तो अप्रैल के बाद उसके लिए पॉसिबिलिटी कम हो जाएगा। तो प्लीज़ अप्लाई एज सून एज पॉसिबल। फॉर एनी काइंड ऑफ कन्फ्यूजन्स और क्वेरीज यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर, वी विल डेफिनेटली हेल्प यू। थैंक यू।